हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे केसीए प्रेसिडेंट कप टी20 सीरीज का जो अगला मैच होने वाला है केसीए ईगल्स और केसीए रॉयल्स के बीच में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलने वाले हैं, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊँगा कि कौन से बॉलर आपको कंप्लीट अपने का चार ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और किसे आप इस मैच के अंदर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। यकीन मानो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा। अगर कोई भी चेंजेस होता है हमारे टीम में तो फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगा। हाँ, अभी हम लोग टीम बनाएंगे ही, हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी चेंज हो और वही टीम में आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको यहां पे शेयर कर दूंगा। एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहां आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक बार ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए अब स्टेट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मैच है सनातन ड्रामा कॉलेज ग्राउंड पे ये मुकाबला हो रहा है दोस्तों, सारे के सारे मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं। ये सुबह 9 बजे आपको ये मुकाबला देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ का पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये बॉलिंग पिच है, आपको 120-125 के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर देखने को मिल जाएगा। 25 मैचेस अभी तक हो चुके हैं दोस्तों इस ग्राउंड पर इस सीरीज के, जहाँ पर 9 मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम ने यहाँ पर विन करा है और सेकेंड बैटिंग टीम ने 16 मैचेस जीता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल के जो 2 मैचेस हुआ था यहाँ पे दोनों के दोनों ही मैचेस चेजिंग करते हुए जीता गया है दोस्तों। मतलब चेजिंग करते हुए जीतने के चांसेस इस ग्राउंड पे अब थोड़ा सा देखोगे तो ज़्यादा है। और यही दोस्तों ये कारण है कि कोई भी टीम टॉस जीतेगा तो सबसे पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले सकता है, तो ये चीज़ माइंड पर रखना। बाकी क्लाउड्स रहेंगे आज भी इस ग्राउंड पर। बाकी प्रिडिक्शन की बात करेंगे, विनिंग प्रिडिक्शन, तो ईगल्स के टीम के जीतने के थोड़ा ज़्यादा चांस रहेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो केसीए ईगल्स की जो टीम है 8 मैचेस खेला है, 4 मैचेस जीता है, 4 मैचेस लॉस किया है। लेकिन केसीए रॉयल्स की बात करेंगे तो 8 मैच के अंदर 3 मैचेस विन करा है और 5 मैच लॉस करते हुए आए हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि यहां पे दोस्तों टीम रॉयल्स की टीम जीत नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि केसीए रॉयल्स की टीम भी बहुत मजबूत है, तो ये चीज ध्यान रखना। अभी 50-50 चांस है कि जीतने के दोनों ही टीमों के। चलिए बैटिंग ऑर्डर पर फोकस करने के, मसीफ जो कि दोस्तों ये अपना स्पेल का 4 ओवर तक बॉलिंग करते हैं। ये पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकाले थे, 13 रन खर्च किया था 4 ओवर की गेंदबाजी में, फिर 34 रन खर्च किए थे, कोई विकेट नहीं मिला, फिर 22 रन खर्च किए थे, कोई विकेट नहीं, फिर फ्लॉप, और लास्ट 2 मैच के अंदर देखोगे तो फिर इनको विकेट मिल रहा है। दोस्तों, बढ़िया गेंदबाजी करता है, अभी तक ओवरऑल देखोगे तो 5 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों, गेंदबाजी इनका भी शानदार रहता है। बाकी अतुल रविंद्रन पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर यहाँ पे 3 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, लास्ट मैच के अंदर लकी फ्लॉप रहे थे, लेकिन ये भी अपने स्पेल के 4 ओवर तक बॉलिंग करते हैं। ओवरऑल देखोगे दोस्तों तो अभी तक 10 विकेट निकाल चुके हैं, ये भी टीम के बहुत शानदार गेंदबाज है। फजल की बात करते हैं दोस्तों, ओवरऑल देखोगे तो 4 रन बना के 6 विकेट निकाला हुआ है, ये भी दोस्तों बहुत शानदार गेंदबाज है, ये भी अपना स्पेल के 4 ओवर तक बॉलिंग करते हैं दोस्तों। आप इनको भी अपने टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं। बाकी मोहम्मद कैफ सेकंड राउंड पे खेलेंगे, ओवरऑल देखोगे तो 26 रन बनाया हुआ है, सेकंड राउंड का बैट्समैन है, पहले मैच के अंदर 11 रन, फिर 0, फिर 11, फिर 0, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 रन बनाया हुआ है। सचिन बेबी टीम के सेकंड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 46 रन, फिर 57 रन, फिर 35, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 12, फिर 42 रन, फिर 27 रन, ओवरऑल देखोगे तो 219 रन बना चुके हैं, प्लस 1 विकेट निकाला हुआ है। दोस्तों, ये जो प्लेयर है ना, सेकंड राउंड पे बैटिंग के साथ साथ ही आपको बॉलिंग भी कुछ ओवर तक करते हुए दिख जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करा है। और इनको इस वजह से मैंने कलर कर रखा है क्योंकि आप चाहें तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ले सकते हैं। बाकी वैशाख चंद्रन की बात करेंगे दोस्तों, अभी तक देखोगे 3 रन बना के 8 विकेट निकाल चुके हैं, ये भी टीम के
बहुत सुपर गेंदबाज है, इनको भी अपनी टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। राहुल पी ओपन करेंगे दोस्तों, ओवरऑल देखोगे 195 रन स्कोर करा है, टीम के बहुत बढ़िया ओपनर बैट्समैन है। पहले मैच के अंदर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे 53 रन बनाया, फिर 12 रन, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 32 रन, फिर 37 रन, फिर यहाँ पे 22, फिर 8 और लास्ट मैच के अंदर 18 रन। ओवरऑल देखोगे तो 195 रन बना चुका है। ये आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे, मैं ना इनको आज वाइस कैप्टनसी के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लेयर है ना, मतलब ये भी ओपन कर रहे हैं और अच्छा खेलते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं खेल रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं पहले मैच के अंदर हाफ सेंचुरी लगाया था। रोहन नेर की बात करेंगे, ओवरऑल देखोगे 59 रन स्कोर कराया, टीम का फर्स्ट रन का बैट्समैन है, इनका रिकॉर्ड उतना बेटर है नहीं दोस्तों, सारे मैचेस का आप स्कोर देख सकते हैं आपके सामने है। अर्जुन एके ये भी पूरे टूर्नामेंट के अंदर 64 रन स्कोर करा है, चार नंबर पर खेल रहे हैं, पहले मैच के अंदर 3, फिर 11, फिर 5, फिर 13 और लास्ट मैच के अंदर 32 रन। अभिराम सीएच जो कि पहले मैच के अंदर देखोगे दोस्तों 15 रन स्कोर कराया, फिर 50 रन, फिर यहाँ पे 19 रन, फिर 35 रन, फिर 10, फिर यहाँ पे 12, फिर 4 और लास्ट मैच के अंदर 21 रन स्कोर करा है। ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, 162 रन पूरे टूर्नामेंट के अंदर बना चुका है। अखिल के जी पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 36 रन बना के 4 विकेट निकाला हुआ है। आदित्य विनोद पूरे टूर्नामेंट के अंदर 5 रन प्लस 6 विकेट निकाला हुआ है। निपुण बाबू ये दोस्तों पहले मैच के अंदर देखोगे फ्लॉप, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला हुआ है। अश्वांत एस शंकर की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर फ्लॉप थी, स्टार्टिंग के 3 मैच के अंदर फ्लॉप थे, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला हुआ है। कृष्णा प्रसाद पहले मैच के अंदर 50 रन, फिर यहाँ पे 34 रन, फिर 38 रन, फिर यहाँ पे 2 रन, फिर यहाँ पे 27 और लास्ट मैच के अंदर 21 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 172 रन स्कोर करा है दोस्तों, टीम का बहुत बढ़िया बैट्समैन है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो ये केसीए ईगल्स का बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों, और ध्यान रखना आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा केसीए ईगल्स की टीम की तरफ से। तो इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है दोस्तों, प्लेयर्स का स्टेट्स को फॉलो करते हुए प्लेयर्स को आप ले सकते हैं, लेकिन केसीए रॉयल्स का भी रिकॉर्ड एक बार जरूर देख लें। अखिल एमएस जो कि टीम के दोस्तों थर्ड डाउन पे या 4 नंबर पे लगभग बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, 3-4 नंबर पे बैटिंग करते हैं और ये अपना स्पेल का 4 ओवर बॉलिंग भी करते हैं। ओवरऑल देखोगे 82 रन बना के 3 विकेट निकाल चुके हैं, बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। बाकी अल्बिन एलियास टीम के फर्स्ट डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 46 रन, फिर 19 रन, फिर 0, फिर यहाँ पे 20 रन, फिर यहाँ पे 6 रन, फिर 14 रन, फिर यहाँ पे 32 रन, फिर 3 रन और लास्ट मैच के अंदर 12 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 152 रन स्कोर करा है दोस्तों, टीम का फर्स्ट राउंड का बैट्समैन है। अमल रमेश पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा है। अनकृष्णन पहले मैच के अंदर 4 नंबर पे खेलेंगे और अपना स्पेल के 4 ओवर तक बॉलिंग भी करेंगे। ओवरऑल देखोगे 80 रन बना के 5 विकेट निकाल चुका है दोस्तों, ये टीम का मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग के साथ साथ ये अपना स्पेल का ये भी 4 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, तो इनको भी अपने टीम के अंदर आपको जरूर से जरूर ट्राई करना चाहिए। सचिन सुरेश सेकंड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 3 रन, फिर यहाँ पे 3, फिर 6, फिर 39 रन, फिर 1 रन, फिर 20 रन, फिर 60 रन और लास्ट मैच के अंदर 20 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 149 रन बनाया हुआ दोस्तों। बाकी अमीर शाह सन की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 31 रन, फिर यहाँ पे 18, फिर 3 रन, फिर दोस्तों यहाँ पे 27 रन, फिर 24 रन, फिर 9, फिर 0 और लास्ट मैच के अंदर 6 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 108 रन स्कोर करा है। संजय राज ओवरऑल देखोगे 100 रन बनाया हुआ, ये ओपन तो कर रहे हैं लेकिन दोस्तों इनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, 1-2 मैचेस में ही बढ़िया खेला है, बाकी के मैचेस के अंदर फ्लॉप रहा था। पलम अनफाल थर्ड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 15 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर यहाँ पे 16 रन, फिर 19 रन प्लस 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था लास्ट के मैच के अंदर। ओवरऑल देखोगे 58 रन स्कोर करा है। अनुराज ये दोस्तों ओवरऑल देखोगे 19 रन बना के 4 विकेट निकाल चुके हैं, पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, दोस्तों अभी तक देखोगे टूर्नामेंट के अंदर 19 रन बना के 4 विकेट निकाल चुका है। गोकुल गोपीनाथ पूरे टूर्नामेंट के अंदर 7 विकेट निकाला है, ऑफ स्पिनर है और केसीए रॉयल्स की टीम की तरफ से ये भी अपना स्पेल के 4 ओवर बॉलिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे बात करूँ दोस्तों यहाँ पे अबनुल के बारे में, अबनुल अल्ताफ पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर यहाँ पे 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा लगातार मैच के अंदर, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। विघ्नेश पाथुर की बात करेंगे, पहले मैच और दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला है। मोहित सिबू पहले मैच के अंदर 8 रन प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाला हुआ है। राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है दोस्तों, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये भी बढ़िया प्लेयर है। आदित्य मोहन ये इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। सलमान नजर थर्ड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 14 रन, फिर 6 रन, फिर 72 रन, फिर यहाँ पे 2 रन, फिर यहाँ पे 2 और लास्ट मैच के अंदर भी 10 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 106 रन बना चुका है दोस्तों, टीम के 3 नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाकी यहाँ पे मैदून ये यहाँ पे 7 नंबर पे खेलते हुए 4 रन प्लस 1 विकेट निकाला हुआ है, एक ही मैचेस खेला है, रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों केसीए ईगल्स और केसीए रॉयल्स का, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे आप इजी देख सकते हैं। तो इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है, प्लेयर्स का स्टैट्स को फॉलो करते हुए दोस्तों, प्लेयर्स का रिकॉर्ड को फॉलो करते हुए आप इजी यहाँ पे चाहें तो टीम बना सकते हो यहाँ से। हालांकि मैंने आपके हेल्प करने के लिए एक डेमो टीम बना के रखा है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से। तो देखो यहाँ पे ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा राहुल पी और यहाँ पे एस सचिन, ये दोनों के दोनों विकेट कीपर बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोस्तों। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे राहुल पी को ट्राई करूंगा क्योंकि ये ओपन करते हैं, एस सचिन भी अच्छा खेल रहे हैं। देखो हो सकता है कि आपके ओपोनेंट्स इन दोनों के साथ जाएंगे। देखो मैं कहूँगा अगर आप चाहें तो दोनों विकेट कीपर के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल पी को फिलहाल ट्राई करता हूँ और बॉलिंग पर मैंने ज़्यादा फोकस करा है। अगर आप लेना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो एस सचिन को ट्राई कर सकते हो। सकता है कि लाइनअप के बाद मेरा भी टीम चेंज होगा जिसमें से एस सचिन को मैं शामिल करूंगा। यहां पे बैटिंग में देखोगे तीन बैट्समैन, एस बेबी बेस्ट रहेगा दोस्तों। यहां पे अलियास को मैं ट्राई करूंगा, इनका रिकॉर्ड बहुत बेटर है दोस्तों। यहां पे सीएच अभिराम को मैं लेने वाला हूं। ये तीन बैट्समैन आपके टीम के अंदर होना जरूरी है अगर आप चाहें तो। यहां पे एस निजार को ट्राई कर सकते हैं या फिर अखिल केजी को ग्रैंड लीग के अंदर आप ले सकते हो। वहीं रहा दोस्तों ऑलराउंडर की बात, तो मैंने दो ऑलराउंडर को ले रखा है जिसमें से अखिल एमएस बेस्ट रहेगा दोस्तों। ए रविंद्रन को मैं ट्राई करूंगा। ये दो प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन में आपके टीम के अंदर होना जरूरी है दोस्तों। टीम के दोनों के दोनों टीम के टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो अमित शाह को ले सकते हैं, के प्रसाद। के प्रसाद मुझे बेटर लग रहा है दोस्तों अमित शाह से। अगर आप चाहें तो के प्रसाद के साथ आप जा सकते हो। एम सिबू हालांकि देखोगे तो लास्ट के कुछ मैचेस में नहीं खेला है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर खेलते हैं तो ये बेटर प्लेयर रहेगा, ये भी अपना स्पेल के चार ओवर बॉलिंग करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी बॉलिंग में मैंने पांच बॉलर को ले रखा है जिसमें से आरओवाई के टीम की तरफ से दोस्तों यहाँ पे मैंने तीन गेंदबाज को ले रखा है। यहाँ पे जी गोपीनाथ को भी मैंने ट्राई किया हुआ है और यहाँ पे के आसिफ और यहाँ पे दोस्तों भी चंद्रन को मैंने ट्राई कर रखा है। इनका भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है। आप टीम प्रीव्यू देखोगे मेरा कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए एस बाबू को मैं एस बेबी को फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ। अब वाइस कैप्टनसी के लिए राहुल पी को ले सकते हैं आप, या फिर अगर आप चाहें तो ए रविंद्रन को ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे दोस्तों इनका भी रिकॉर्ड, अनकृष्णन का भी रिकॉर्ड बेटर था, इनको भी ले सकते हैं। इनका भी बॉलिंग बहुत शानदार रहता है। तो ये मेरे साइड से टीम है दोस्तों। अगर आपको इसमें एक दो प्लेयर चेंजेस करना है अपने साइड से तब चेंज कर सकते हैं, और अगर मेरे टीम में कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आपको फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।